नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के बारे में। यहाँ टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, पर हर भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है। नल में पानी भले ही लेटा है, पर चांद पर सबसे पहले पानी डिटेक्ट हमारे सेटेलाइट चंद्रयान 1 ने किया था। हमारे देश में खेल सिर्फ खेल नहीं होते, रिलीजन होता है, पागलपन होता है, जुनून होता है। स्नूकर, कबड्डी, लूडो, शतरंज, सांप सीढ़ी, इन सभी खेल का जन्म हर भारत देश में हुआ था। जितने त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं, शायद वो किसी और देश में मनाए जाते हों। अनेकता में एकता की झलक दिखाते हुए त्यौहार हमारे देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं। हमारे देश में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। हाँ, उनमें से कुछ थोड़ी तीखी है तो कुछ मीठी, एंड मीठी से ज़्यादा है शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम इन इंडिया। भारत ने ही पूरे देश को चटपटेपन का जायका दिया है। यहाँ बर्गर सिर्फ एक डिश है, लेकिन वड़ा पाव एक इमोशन। मेरी बातों से आपको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आई गई होगी, पर पाई की वैल्यू 3.14159 होती है। सबसे पहले हमारे देश में आचार्य बुद्धियाना ने गई थी। सोने की चिड़िया कहे जाने वाला हमारे देश 17वीं सेंचुरी में सबसे अमीर देश हुआ करता था। यहाँ सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, लाइफस्टाइल होता है, क्योंकि पूरे प्लेनेट में सबसे ज़्यादा फिल्में बॉलीवुड प्रोड्यूस करती है, और वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट एक्टर एक इंडियन है। नाम तो सुना ही होगा। कुछ ऐसा ही देश है मेरा, जहाँ आहार की कमी हो सकती है मगर संस्कारों की नहीं। चाहे एक चाय बेचने वाला आदमी अपनी सोच से, अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से पूरे देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जहाँ देश को सिर्फ देश ही नहीं माना जाता, अपनी माँ माना जाता है, उसी देश का एक अखंड नागरिक होते हुए मुझे गर्व है। जय हिंद।